The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। तो आप अपने इम्यून सिस्टम को कैसे और ताकतवर बना सकते हैं कि आप हर बीमारी से लड़ सको, तो इसका बेसिक अगर आप मानेंगे तो बेसिक शुरू होता है एक हेल्दी डाइट से, जिसमें आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज चाहिए, आपका वेट सही होना चाहिए, आपने उल्टे सीधे स्मोकिंग और ड्रिंकिंग नहीं करनी है, नींद अच्छे से लेनी है, और कोई भी प्रकार के इन्फेक्शंस को अवॉइड करने के स्टेप्स लेना है, जैसे कि हाथ धोने हैं और आज के दौर पे सैनिटाइजर यूज़ कर सकते हैं या फिर मास्क पहनना है जब भीड़ भड़ाक में जाते हैं। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि रिसर्च में भी ये देखा गया है, गुड न्यूट्रिशन एक फंडामेंटल चीज़ है इम्यूनिटी इम्प्रूव करने के लिए, और ये इम्यून सिस्टम आपके बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है किसी भी बीमारी या डिफेंस इन्फेक्शन के लिए, और ये बहुत ज़्यादा लंबे समय से इस्टेब्लिश्ड है, प्रूवन है कि इम्यून सिस्टम एक गलत डाइट से, स्ट्रेस से, गलत न्यूट्रिशन से या स्लीप डिप्रेवेशन से ख़राब हो जाता है। साथ ही अगर हम सही न्यूट्रिशियस फूड, जिसमें विटामिन्स हो, खूब सारा अच्छा प्रोटीन हो, मिनरल्स हो, तो ये सारी चीज़ें आपके इम्यून सिस्टम के ऑप्टिमल फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है, और साथ ही आपको रिक्वायर्ड एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए होते हैं जो कि आपके शरीर का डैमेज स्लो करते हैं बाय दी फ्री रेडिकल्स जो आपके शरीर में इन्फ्लामेशन से निकलते हैं, इन्फेक्शन से निकलते हैं, रोज़ाना भी निकलते हैं। साथ ही आपके शरीर के जो टी सेल्स हैं, जो मेन फाइटिंग सेल्स हैं लिम्फोसाइट्स, उनके प्रोडक्शन में बहुत ज़रूरी है ये सारे विटामिन्स। न्यूट्रिशन का रोल बहुत ज़रूरी है, ये स्टडीज़ में भी देखा गया है, और ऐसे ही यूरोपियन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में ये भी देखा गया कि विदाउट एडिक्वेट न्यूट्रिशन, सही न्यूट्रिशन अगर आपकी बॉडी में नहीं है तो इम्यून सिस्टम आपका डिप्राइव हो जाएगा, और इम्पॉर्टेंट उसके जो रिक्वायर्ड एलिमेंट्स हैं वो नहीं मिलेंगे, तो इफेक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स ही नहीं आएगा। और ये प्रूव हुआ है 2003 में, बार बार प्रूव हुआ है, एक स्टडी का एग्जाम्पल दे रहे हैं हम। सो गुड न्यूट्रिशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑप्टिमाइजिंग योर सिस्टम, एंड दिस कैन रिड्यूस, ये आपका वायरल इन्फेक्शंस के रिस्क कम कर सकता है, बीमारी के रिस्क कम कर सकता है। सो इसी से चलते आपको एक नई चीज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आज, हाउ टू चेक योर ओन न्यूट्रिशन। प्रोटीनेक्स के बारे में आपने सुना होगा, प्रोटीनेक्स एक बहुत वेल नोन कंपनी है, उन्होंने एक वन ऑफ अ काइंड नया इम्यूनो न्यूट्रिएंट कैलकुलेटर डेवलप किया है। ये क्या चीज़ है? इम्यूनो न्यूट्रिएंट कैलकुलेटर, मतलब कहीं ना कहीं बहुत हेल्पफुल होने वाला है। यह हेल्प करता है ये देखने में, असेस करने में कि आप जो खाना खा रहे हो, आप जो ले रहे हो, उसमें न्यूट्रिएंट्स कितने हैं, और वो न्यूट्रिएंट्स में ये सारे जो विटामिन्स हमने बताए उसमें कहाँ कहाँ डेफिशिएंसी आ रही है, तो आपकी इम्यून सिस्टम में उस चीज़ की कमी पड़ सकती है। सो यहाँ पर वो यही नहीं, एक स्टेप आगे बढ़ के वो ये भी एडवाइस करते हैं इस इम्यूनो न्यूट्रिएंट कैलकुलेटर में कि आप क्या स्टेप ले सकते हो ताकि ये जो कमियाँ हैं, न्यूट्रिएंट इनटेक है, वो कंप्लीट हो जाए, पूरे हो जाए फॉर योर बिल्डिंग योर इम्यूनिटी। सो इम्यून न्यूट्रिएंट कैलकुलेटर जो है ये बेस्ड है फूड्स एंड रेसिपीज जो डेवलप किए गए हैं क्रेडिबल सोर्सेज से, जैसे कि न्यूट्रिएटिव वैल्यू ऑफ इंडियन फूड, IFCT, इंडियन फूड कंपोजिशन टेबल्स, और ऐसे ही स्टैंडर्ड रेसिपीज पे जो बनाया गया है, और ये जो रिपोर्ट आपको मिलती है ये आपके रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस RDA जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च रिकमेंडेड है, वहाँ से ही आपका रिकमेंडेशन लिया गया है। सो ये बहुत और साथ ही ये यूज़र फ्रेंडली, बहुत इजी है इसको यूज़ करना, बस आपको डेटा डालना है, कुछ बटन दबाने हैं और आपको मिल जाएगा आपके डे टू डे आप कितने फूड में कुछ कमी तो नहीं है, न्यूट्रिएंट सही है या नहीं है, ये आपको मिल जाएगा। साथ ही मिलेगा 11 की इम्यूनो न्यूट्रिएंट जो कैप्चर होते हैं इस कैलकुलेटर में, प्रोटीन्स, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, B6, B12, फोलेट, आयरन, कॉपर और जिंक। याद रखिए, खाना जब पक जाता है, पकने के बाद उसका न्यूट्रिशन थोड़ा कम होता है, उसके न्यूट्रिशन लेवल लूज होता है,
और यहाँ पर एक और चीज़ सोचने वाली है कि न्यूट्रिशन लेवल उसके जो कंडीशन और एनवायरनमेंट जिसमें वो ग्रो हुआ उससे भी अलग है। एक अच्छे एनवायरनमेंट में ग्रो हुआ गेहूं के अंदर और दूसरे में, दूसरे बुरे एनवायरनमेंट में रखे स्टोरेज में भी बहुत फर्क पड़ता है। सो एग्जैक्ट न्यूट्रिशन वैल्यू हर एक चीज़ की गिनना बहुत मुश्किल है। इसीलिए ये क्या करता है, ये इम्यूनो न्यूट्रिएंट कैलकुलेटर आपको एक आइडिया देता है, एक एवरेज वैल्यू बताता है जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं यस कि ये मेरा न्यूट्रिशन लेवल कम है या ज्यादा है। याद रखिए 100% एक्यूरेट न्यूट्रिएंट असेसमेंट इज नॉट पॉसिबल थ्रू एनी सच कैलकुलेटर्स इन द वर्ल्ड, बट दिस इज अ गुड गुड वे टू अज्यूम कि असेस आपका खुद का न्यूट्रिएंट लेवल, खासकर इम्यूनिटी और वाइटामिन के चलते। सो इम्यूनो न्यूट्रिएंट कैलकुलेटर, इसका लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और इफ यू फील यू आर गेटिंग इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन, जरूर इसको ट्राई करो। साथ ही इसके साथ 30 डे कंसल्टेशन फ्री है एक न्यूट्रिशनिस्ट का जो आपको हेल्प करेगा ताकि आप अपने होलसम फूड ले सकें, आपका स्ट्रांग इम्यूनिटी हो सके। 30 डे प्रोग्राम इज अगेन वेरी वेरी गुड इन दिस, वो एक और है आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो याद रखिए व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये न्यूट्रिएंट्स का आपके बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। आप अगर देखेंगे आपके बॉडी के हेल्दी सेल्स रखने के लिए, ग्रोथ के लिए, इम्यूनिटी के लिए, एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए, विटामिन ए ज़रूरी है आपके फिजियोलॉजिकल इंटीग्रिटी ऑफ सेल सर्फेसेस के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए, आपके बच्चों के ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। विटामिन सी, जग जाहिर है कि विटामिन सी वाटर सॉल्यूबल एंटीऑक्सीडेंट्स है, आप किसी भी वायरल इन्फेक्शंस में, कोल्ड कफ में इसको यूज़ कर सकते हैं। इट हेल्प्स इन योर कोलेजिन, स्किन हेल्थ, रिंकल्स, एजिंग, तो विटामिन सी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आयरन इंपॉर्टेंट है, खून की कमी हो जाती है उससे वीकनेस हो सकती है, आयरन नहीं हो तो वायरल इन्फेक्शन हो सकते हैं। विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट है, स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है, एजिंग, कैटरैक्ट, इम्यूनिटी, आर्थराइटिस, मेलिग्नेंसी, हार्ट की बीमारियां, इनके लिए ज़रूरी है। सो ऐसे ही कॉपर आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। कॉपर क्यों ज़रूरी है, रेड ब्लड सेल्स के लिए, आपके इम्यून सिस्टम के लिए कॉपर बहुत ज़रूरी है, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है। विटामिन डी धूप से जो मिलता है वो बहुत ज़रूरी है आपके बोन्स के लिए, टीथ के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए। विटामिन डी डेफिशिएंसी हो तो ना सिर्फ आपकी इम्यूनिटी कम होती है, आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, विटामिन डी से पेन्स हो सकते हैं बॉडी में। B6 इंपॉर्टेंट है ब्रेन के लिए, नर्वस सिस्टम को और इम्यूनिटी को हेल्दी स्ट्रांग रखने के लिए। फॉलिक एसिड बहुत जरूरी है रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, इम्यून सेल्स के एक्टिविटी के लिए और बीमारियों से बचने के लिए। और B12 नसों के लिए, फैटी एसिड्स के लिए, ब्रेन फंक्शन फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है, मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज़रूरी है। B12 की कमी आज के डेट में वेजिटेरियंस में बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि उसका सोर्स सारा जो नॉन वेजिटेरियन है, तो वेजिटेरियंस को ज़रूरी है इसमें अपने आप को असेस करना। और लास्टली जिंक बहुत ज़रूरी है वुंड हीलिंग के लिए, इम्यूनिटी के लिए, और साथ ही बॉडी के एक्नी, हेयर फॉल, एजिंग, इन सब के लिए जिंक बहुत ज़रूरी है। तो देख सकते हैं आप ये सारे विटामिन्स का आपके शरीर में हर एंगल से रोल है, तो इसके असेसमेंट करना बनता है। एक अच्छा स्टेप है प्रोटीनेक्स के द्वारा जो आप जाके फ्री ऑफ कॉस्ट असेस कर सकते हैं कि आपके न्यूट्रिशन लेवल कैसे हैं, आपके बॉडी के अंदर कहीं कोई इन विटामिंस की कमी तो नहीं है। वन ऑफ अ काइंड चीज़ है क्योंकि आज तक जो चीज़ है वो आपका कैलोरीज में बताता था, ये कैलोरीज में नहीं, ये विटामिंस में आपको बताएगा। सो गो एंड चेक इट आउट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, एंड डू लेट मी नो हाउ यू फील अबाउट इट। थैंक यू सो मच, दिस इज डॉक्टर परमजीत, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।